और पन्ना जिले की अजयगढ़ में रेत माफियाओं के द्वारा सीना छल्ली करके नदी का रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और सफेद रेत का काला कारोबार किया जा रहा है। लगातार अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कार्रवाई नहीं होती। आज अगर देखा जाए तो भारत बचाओ रैली के माध्यम से लोगों ने यहाँ अपील की है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय गांधी चौक पर काली पट्टी बांधकर अपने हाथों में तख्तियां लेकर रेत माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी की गई है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। पन्ना विधानसभा से प्रत्याशी रहे शिवजीत सिंह भैया राजा का कहना है कि कमलनाथ सरकार के द्वारा जनता को रोजगार देने और पलायन को रोकने के लिए पंचायत में खदानें दी गई थी, लेकिन रेत माफियाओं के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से यहां मशीनों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है, जबकि कमलनाथ सरकार ने यह साफ कर दिया था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रेत माफियाओं के कारोबार पर और उनके इरादों पर किसी तरीके का अंकुश नहीं लगाया जाता है। लगातार रेत उत्खनन होता है जिसके ही विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पन्ना विधानसभा की तीनों इलाकों से सब कार्यकर्ता केंद्र सरकार के विरोध में कल विशाल प्रदर्शन है, उसके नेतृत्व में सभी लोग हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और रहा सवाल आपकी, आपने जो सवाल किए हैं, तो जो मध्य प्रदेश शासन का नियम है जो पंचायतों द्वारा आवंटित की गई है, पंचायत राज चले लेकिन उसमें मशीनें नहीं चलना चाहिए। मशीन इसलिए नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश शासन ने इसलिए खदान दी है कि जनता को रोजगार मिले, मजदूरों को रोजगार मिले और मजदूर पलायन न करें, लेकिन नियम के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं। हम सब लोग इसकी शिकायत पहले कलेक्टर साहब से भी कर चुके हैं। अगर इस चीज़ को अगर रोका नहीं जाएगा तो आने वाले टाइम पे हम लोग अगर भोपाल भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे। किसी भी कीमत में ये मशीनें नहीं चलना चाहिए जब मजदूरों को द्वारा काम होना चाहिए। क्या माना जाए कि इस तरह प्रदर्शन करने से और ज्ञापन देने से अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लग सकेगी? देखो एक चीज क्या है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का नियम है, हम लोग कभी गलत काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से हम लोग जीना चाहते हैं और सम्मान से जनता को जीने का अधिकार है, इसलिए हम उनका जनता की और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रोजगार। सोनिया गांधी जी के आह्वान पर भारत बचाओ रैली को लेकर आज हम लोग पन्ना विधानसभा प्रत्याशी के सहित तीनों ब्लॉक अध्यक्ष तीन बस लेकर यहां से रवाना हो रहे हैं और हमारे साथ में भरत मिलन जी जनपद अध्यक्ष हैं, इसलिए आज हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज हम लोग विगत 8-10 दिनों से अजयगढ़ क्षेत्र को बर्बाद होने से रोकने के लिए प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उस अनुभाग के जो अजयगढ़ क्षेत्र में है वहाँ यूपी के माफियाओं का गुंडाराज चल रहा है, किसान परेशान है, किसानों की जमीनों से जबरदस्ती LNT मशीनें से उत्खनन होकर वहाँ से निकाला जा रहा है और इसके बावजूद वहाँ पे मशीनों के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है जो कि NGT के नियम के विरुद्ध है और इस मात्रा में रेत निकाली जा रही है कि अजयगढ़ क्षेत्रवासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। इसका लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में जाकर पन्ना के अवैध उत्खनन की जानकारी देंगे और रामलीला मैदान में इसको लेकर भी प्रदर्शन करेंगे।